हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरत। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास में ये ट्रैक्टर आया हुआ है, आइसर 485। तो हम पे हमारे काफ़ी किसान भाइयों का कमेंट आता है कि अब्दुल भाई, हमारा ट्रैक्टर हल्का हल्का धुआं देता है, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम होता है, लंबा राउंड लेके स्टार्ट होता है और फड़फड़ा रहा है। तो ऐसा होने की तो बहुत सी वजह होती है, इनमें से एक वजह मैं आपको आज दिखाऊंगा, जो ये ट्रैक्टर में यही प्रॉब्लम है कि ये ट्रैक्टर हल्का हल्का सफ़ेद धुआँ देता है और स्टार्टिंग भी लंबा होता है। उसके बाद क्या होता है कि इसका फायरिंग भी ठीक से नहीं है, पूरा फायरिंग उसका जो है वो फड़फड़ाता है। तो आखिर उसमें ऐसी क्या वजह है, अगर आपको ये पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे कि आखिर इसमें ऐसी वजह क्या है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैक्टर स्टार्ट करके। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसे वीडियो के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और हाँ दोस्तों, अगर आपका चाहिए तो आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अब्दुल कुरत पे आज आए हो और आज आपने हमारा वीडियो देखा है, तो सबसे पहले तो आपका चाहिए तो आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अब्दुल कुरत को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे और किसान भाइयों में भी शेयर करें, क्योंकि आपका चाहिए तो आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अब्दुल कुरत रोज़ाना ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पर वीडियो लाता है और इंशाल्लाह आगे भी लाता रहेगा। तो प्लीज़ आप हमारे इस नए काम में हमारे साथी और सहभागी बनी। तो चलो दोस्तों, मैं अभी आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि ये ट्रैक्टर में क्या वजह है और मैं इसको कैसे ठीक करता हूँ, है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो आपने देखा कि ये काफी लंबा राउंड लेके स्टार्ट हुआ, मैं दोबारा स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये काफी लंबा राउंड लेता है, उसके बाद स्टार्ट होता है, नहीं तो ये ट्रैक्टर देख सकते हैं कंडीशन, कम से कम ये 4 साल पुराना ट्रैक्टर होगा, 3 या 4 साल। तो ये झटके में स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने इसको स्टार्ट किया तो ये काफ़ी लंबा राउंड लेता है। आप देखना, काफ़ी घुराने के बाद ये स्टार्ट होता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हल्का सा धुआं निकल रहा है और जैसे मैं उसको रेस दूंगा ये ट्रैक्टर फड़फड़ाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये धुआं देख सकते हैं यहाँ पे, ये कितना ज्यादा सफेद धुआं देख सकते हैं और ट्रैक्टर पूरा फड़फड़ा रहा है। उसका फायरिंग जो होना चाहिए आइसर का, वो फायरिंग ही नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब फुल रेस हो जाने के बाद उसका धुआं खत्म, लेकिन आप आइडर में देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ये धुआं दे रहा है और जैसे इसको हल्का रेस करेंगे देख सकते हैं उसका फायरिंग ठीक नहीं है और ये बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। ट्रैक्टर को मैंने काफ़ी रेस किया है, देख सकते हैं ये काफ़ी देर के बाद रेस पकड़ता है। मैं इसको ऐसे यहाँ पे रेस देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने इसको रेस दिया, काफ़ी देर के बाद ये रेस लेता है और धुआं तो आप देख सकते हैं कि धुआं कितना ज़्यादा सफ़ेद धुआं दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। देखो ये काफी देर के बाद रेस लेता है ना, तो अगर आपके ट्रैक्टर में ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप इसको कैसे ठीक करोगे, है ना। देखो, अगर छोटा सा भी आपने मिस्टेक कर दिया उसका जो फॉल्ट है उसको पकड़ने में, तो हो सकता है कि बहुत बड़ी लागत हो सकती है। कई बार क्या होता है, गलत डिसीजन, डीजल पंप खुल जाता है या तो उसका इंजन खुल जाता है, हेयर खुल जाता है। तो इसीलिए मैंने ये मेरे किसान भाइयों के लिए वीडियो बनाया है कि अगर आपने ये हमारा वीडियो देखा होगा तो आप फालतू लागत से बच सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, क्योंकि देखो ये काम करते करते तजुर्बा हो गया है, तो आपने एक नोटिस किया होगा कि इसके एयर कंडर से भी आवाज़ आ रही है। एक मरतबा मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊँ, आपको एक आवाज़ सुनाई देती होगी, धक 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 की आवाज एक सुनाई देती होगी। देख सकते हैं ये आवाज, एक धक धक की आवाज आ रही है। तो ये आवाज का मतलब है कि उसका टैपिट टाइट है, वजह कुछ भी नहीं है, ओनली इसका टैपिट टाइट है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसका टैपिट सेटिंग करना है। तो अगर आपको देखना है कि ये आइसर का टैपिट कैसे सेटिंग होता है, तो मैंने इसका ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है,
मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं कि ये आइसर का टैपिट कैसे सेटिंग होता है। मैंने वो शायद 368 का ही मैंने वीडियो डाला है, बस सेम ही सेटिंग इसका होता है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसको जल्दी से इसका गेज के मुताबिक इसका टैपिट सेटिंग करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाता हूँ, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, है ना। मैं इसको जल्दी से सेटिंग कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसका वीडियो डाला है टैपिट सेटिंग का। तो अगर आपको देखना है कि इसका टैपिट सेटिंग कैसे होगा, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसको सेटिंग करने के बाद मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि इसका ये जो धुआं था बंद हुआ या नहीं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले। हाँ तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ये जो टैपिट कवर हमने निकाल लिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका टैपिट किस तरह से टाइट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी प्ले नहीं है, ये एक आवाज़ सुनाई देती होगी, इसका मतलब ये फ्री है। और देख सकते हैं इसका ये पुशरॉड जो है वो आसानी से घूम रहा है ना। और देख सकते हैं ये हार्ड है, और इसका ये पुशरॉड भी जाम है। इस तरह से ये वाला चेक करें तो इसमें भी एक आवाज़ सुनाई देगी, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये एक आवाज़ हल्की सी आवाज़ सुनाई देती होगी। इसका मतलब ये भी फ्री है, और इसका ये पुशरॉड देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला पुशरॉड एकदम इजीली घूम रहा है, और ये बिल्कुल हार्ड है देख सकते हैं यहाँ पे। और ये तो दोनों जाम है, इसको मेरे को इंजन को घुमाना होगा। तो एक मिनट, मैं इसको 22 नंबर की चाबी से इस तरह से यहाँ से इंजन को घुमाता हूँ। तो देख सकते हैं अभी इसमें भी एक आवाज़ आपको सुनाई देती होगी, और इसका ये पुशरॉड देख सकते हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल इजीली घूम रहा है। और ये वाला देख सकते हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल हार्ड है। तो 1, 2, 3 इसका 3 टैपिट जाम है, देख सकते हैं ये वाला जो इनलेट वाला है ना, वही जाम है, देख सकते हैं जो इनलेट वाला है वो जाम है। और इनलेट वाला जाम होने की वजह से इसका जो एयर किंडर है वो आवाज़ करता है। तो अब हम इसको सेटिंग करना है, तो चलो, मैंने आगे भी आपको बताया कि मैंने इसका टैपिट सेटिंग का वीडियो डाला है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको जल्दी से सेटिंग कर लेता हूँ उसके गेज के मुताबिक, उसके बाद मैं आपको ट्रैक्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करके दिखाता हूँ, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने इसका पूरा फिटिंग कंप्लीट कर लिया है, तो मैं आपको अब ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाता हूँ, तो मैं थोड़ा कैमरा को एडजस्ट कर लूँ। हाँ तो दोस्तों, अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों आप, ये एक ही झटके में स्टार्ट हुआ। ये ट्रैक्टर अभी एक ही झटके में स्टार्ट होता है, और देख सकते हैं कि पहले मैं यहाँ पे हल्का रेस देता था ना, तो ये रेस नहीं लेता था, लेकिन अब देखो बिल्कुल हल्का रेस, तुरंत रेस होता है, आप महसूस कर सकते हैं। और जो आइडल में धुआं था वो पूरी तरह से ख़त्म, और देख सकते हैं अभी अब आप इसका फायरिंग महसूस कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे रेस दे रहा था ना, तो वो फड़फड़ा रहा था, लेकिन अब इसका फायरिंग आप देख सकते हैं। देखा दोस्तों आपने, ये बिल्कुल एक ही सार फायरिंग दे रहा है, पहले फड़फड़ा रहा था ना, और
जैसे हल्का रेस देने पे धुआं लगाता रहता था, तो देखो मैं आधा रेस करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं अभी धुआं बिल्कुल नहीं है। मैं इसको थोड़ा और रेस करता हूँ, फिर देखो धुआं देता है, देख सकते हैं बिल्कुल भी धुआं नहीं है। पहले क्या हो रहा था, आपने वीडियो को अगर पूरा देखा है तो आपको पता होगा, आधे रेस में वो धुआं दे रहा था, अब मैं आधे से कम करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको आधे से भी कम किया, अब इससे भी कम करता हूँ, लेकिन देख सकते हैं बिल्कुल भी धुआं नहीं है। मैं इससे भी कम करता हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल भी धुआं नहीं है। मैंने इसको बिल्कुल आइडल पे कर दिया, देख सकते हैं अभी बिल्कुल धुआं नहीं है, और ये अब तुरंत रेस लेता है। जैसे मैंने एक्सीट को हल्का दिया, देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं इसको हल्का रेस दूंगा, जब हल्के रेस में पहले आपने देखा होगा कि ये धुआं दे रहा था सफ़ेद, अब देख सकते हैं ये धुआं बंद। और दूसरी एक चीज़ मैंने आपको दिखाई थी कि मेरे को कैसे पता चल गया कि उसके ट्रैफिक में प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एयर किंडर से एक आवाज़ आ रही थी, अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे एयर किंडर में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं। पहले धड़कन की तरह आवाज़ आती थी ना, ढक 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 की एक आवाज़ आती थी, अभी आवाज़ बिल्कुल पूरी तरह से खत्म है, देख सकते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं दोस्तों, बढ़िया फायरिंग, बढ़िया परफॉर्मेंस, देख सकते हैं यहाँ पे। ये ट्रैक्टर लोड भी नहीं ले रहा था दोस्तों, ये ट्रैफिक हार्ड होने की वजह से लोड भी नहीं ले रहा था। अब ये खेत में जुताई के दौरान बिल्कुल पूरे बल के साथ जोर लगाएगा। तो दोस्तों ऐसे तो ट्रैक्टर में ये धुआं देने की बहुत सी वजह होती है, छोटी छोटी। बहुत से लोग मेरे को कमेंट में पूछते हैं हमारे ट्रैक्टर में इस तरह से ये धुआं दे रहा है, क्या वजह होगी? तो अगर एक वजह होगी तो मैं आपको कमेंट में बता सकता हूँ, लेकिन ऐसी छोटी छोटी हज़ारों वजह होती है, वो लिखना मेरे लिए मुनासिब नहीं होता है। वो तो आप भी समझ सकते हो, क्योंकि आप जैसे हज़ारों लोगों की कॉमेंट आती है। तो ये तो क्या है, आपका कोई नज़दीकी अच्छा मैकेनिक है उसको दिखाओ, चेक करवाओ, अगर उसकी समझ में आ जाएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं तो मेरे वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों को पूरी समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे हर एक वीडियो देखो, कुछ ना कुछ तो आपको जानकारी मिलेगी। और मैं ये नहीं कि चलो वीडियो को कोई एडिटिंग किया, ये किया, काट मरोड़ के, मैं जो भी हूँ लाइव दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं यहाँ पे। ये वीडियो में भी कोई एडिटिंग नहीं है, जैसा आपने देखा कि इसमें क्या वजह थी, मैंने आपको खुल के दिखाई है ना। तो ये ट्रैक्टर के टैपिट टाइट होने की वजह से ये ट्रैक्टर धुआं दे रहा था, फड़फड़ा रहा था, एयर किंडर से आवाज़ भी आ रही थी। अगर आपके एयर किंडर से आवाज़ आती है, ऐसे ढक 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 की आवाज़ आती है ना, तो आपको समझ लेना है कि आपके ट्रैक्टर का टैपिट टाइट है, बस सिंपल होता है ये। उसकी आवाज़ को पहचानना पड़ता है। और क्या हुआ दोस्तों कि हमने काम करते करते हमें तजुर्बा हो गया है ना, तो हम उसकी आवाज़ से पहचान लेते हैं कि उसमें क्या है। बिना देखे हम कुछ नहीं बता सकते, देखने के बाद ही हमको पता चलती है, क्योंकि हमारी आँख देखेगी, हमारे कान आवाज़ सुनेंगे, तो हम जो भी प्रॉब्लम है उसको टुरंटली कैच कर लेते हैं। तो लगता है मैं ज़रूरत से ज़्यादा कुछ बोल गया आज। तो चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो अभी भी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। हम जल्दी मिलेंगे ऐसे ही कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।